हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमें आप लोग को 12 वोल्ट से चलने वाला सायरन बना के दिखाएंगे, जो कि बहुत ही छोटा सा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 775 डीसी मोटर, और उसके बाद चाहिए 110 mm डायमीटर का ये पाइप। इतना बड़ा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, और छोटा ही चाहिए हमें, इतना सा हमारा इतने में काम हो जाएगा। और उसके बाद चाहिए हमें कुछ पीवीसी सीट, जो थोड़ा मोटी रहनी चाहिए फ्रेंड्स। हम तो ये बार कोड जो होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास यही था तो हम इसी को लगा रहे हैं। आप कोई भी मोटी सीट लगा सकते हैं, और इसमें कुछ इस तरह की पीवीसी सीट भी चाहिए, जो बॉडी बनाने में थोड़ा काम आएगा ये। और हमें चाहिए एक ये कुकर का सेफ्टी वॉल, ये मोटर में कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलिए आपको बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस पाइप में हम लोग जो है लगभग 60 mm का कट करेंगे। तो पहले इसको कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 60 mm में निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये 60 mm का कट हो गया है। अब इसके बाद जो है हम इस सीट के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो हमें इस तरह का गोला काटना है अब इसके साइज का, इसको हम इस साइड से बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसके साइज के गोले को एकदम अच्छी तरीके से काट लिया है, बिल्कुल इसमें फिक्स आ रहा है ये। अब उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग इसका बीच का सेंटर पॉइंट निकाल के इसमें एक होल करेंगे, क्योंकि हमें इस मोटर को इस तरह से इसमें टाइट करना है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको अभी चिपकाएंगे नहीं, अभी हम निकाल लेते हैं इसको, और इसमें हम पहले होल कर लेते हैं यहाँ पर। हमारा होल हो गया है। और फ्रेंड्स, ये भी हमारी बनाई हुई ड्रिल है। अगर इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके इसको भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमको इस मोटर के इस वाले साइज का इसमें होल करना है, क्योंकि हम मोटर इसमें टाइट करेंगे। तो पहले हम इसको नाप लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका साइज है लगभग 15 mm, तो हम इसमें 15 mm का होल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्विट में ये देखिए 16 mm लिखा है, तो हम इसमें 16 mm का ही साइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी मोटर लग गई है यहाँ पर। अब हम इस मोटर के इसके साइज का भी इसमें निशान लगाकर होल कर लेते हैं पहले। और फ्रेंड्स, हमारा ये होल हो चुका है। अब हम इसको मोटर को लगा के इसको दो स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देंगे पहले। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल टाइट हो गया है। अब फ्रेंड्स, हम ये मोटी वाली सीट में गोला काटेंगे एक, और जो एक इससे कम होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर घूमेगा, तो इसको थोड़ा सा कम काटेंगे, इसके साइज का नहीं काटना है।
इसमें से हम 100 mm का कट करेंगे गोल। तो पहले उसको निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें गोला जो है हम इस टूल्स की मदद से काटेंगे, क्योंकि ये थोड़ी मोटी सीट है, इसमें हमको कटिंग अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें हमने फ्रेंड्स 50 mm इस साइड पर और 50 mm इस साइड पर कर दिया है, जिससे कि हमारा ये 100 mm का गोल काट देगा ये आसानी से। तो हम पहले इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको भी गोला काट लिया है। अब हम इसमें जो है 4 पीस लगाएंगे, इसमें प्लास्टिक के टुकड़े जो कि इस तरह से रहेंगे 4 ठो। तो हम उसको भी पहले काट लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें जो है दो पीस इस तरह का टुकड़ा निकालेंगे, जैसे कि हमने निशान लगाया हुआ है। ये फ्रेंड्स 40 mm चौड़ा है, इस तरह का 2 निकालेंगे और 20 से जो है फिर हम 2 भाग में इसको बांट देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा चारों टुकड़ा बिल्कुल साइज का कट गया है और हमने इसमें फिनिशिंग भी दे दी है। फ्रेंड्स आपको ये 40 mm ऐसे मतलब 40 mm का स्क्वायर में काटना है और चारों को एकदम बराबर रखना है, जैसे कि जरा भी अनबैलेंस ना हो मोटर चलने पर। तो फ्रेंड्स देखिए हमने जैसे निशान लगाया है, इसमें हम पहले यहाँ पर कट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पूरा नहीं कट करना है, इस निशान तक कट करना है, जैसे कि ये ब्लेड हमारा ये इस तरह से अंदर की ओर फंस सके। इसकी जो मोटाई है फ्रेंड्स उसके बराबर ही हमको इसमें कट करना है इस तरह से। फिर उसको हम इस तरह से अंदर की ओर स्लाइड करके इसमें फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद फेविक्विक की मदद से इसको चिपका लेंगे। तो हम पहले इसमें कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसमें अच्छे से कटिंग कर ली है और हमारे सारे ब्लेड फंस चुके हैं इस तरह से, और इसको भी हम इसी तरह फंसाएंगे। देखिए इस तरह से सारे ब्लेड को फंसा लेंगे पहले, और उसके बाद फेविक्विक की मदद से इसको चारों तरफ से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इसको जो है इसमें डाल के देख लेते हैं कहीं फंस तो नहीं रहा है। फ्रेंड्स हमारा ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। और फ्रेंड्स इसको हम अभी थोड़ा और मजबूत करेंगे, क्योंकि काफ़ी हाई स्पीड में ये घूमेगा तो हो सकता है ये ब्लेड निकल जाए। तो हम इसमें जो है इस तरह का फ्रेंड्स एक पीवीसी और चिपकाएंगे। ये पतली वाली पीवीसी सीट की कटिंग करी थी हमने, इसको इस तरह से हम यहाँ चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स जब ये चारों तरफ से जब इसको चिपका देंगे तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, फिर ये मतलब इसका ब्लेड भी नहीं निकल पाएगा। तो हम पहले इसको चिपका लेते हैं। फ्रेंड्स इसका साइज हम आपको बता दे रहे हैं, अंदर वाले में जो है हमने 40 से 45 mm का कट किया है, आप 40 mm भी काट सकते हैं। और बाहर वाली साइड में हमने जो है 100 mm का कट किया है बाहर वाले में, और अंदर हमने 40 mm का कट किया है। अब इसको इस तरह से यहाँ पे चिपका देंगे। इसको चिपकाने से पहले हम जो है इसमें अंदर जो हमको सेफ्टी वाल लगाना है, पहले उसके लिए हम होल बड़ा कर लेते हैं। इसके साइज का हमको होल करना है इसमें। फ्रेंड्स ये है लगभग 12 mm का है, तो हम 12 mm का इसमें होल मार लेते हैं पहले इस वाले सीट में। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें 12 mm दिया है कॉन बीड में, तो हम इसी के बराबर होल करेंगे। इसको इस तरह से लगा देंगे इसमें। तो ये हमारा अच्छे से फिक्स आ रहा है इसमें।
अब इसमें जो नट दिया है अब इस नट को इधर से टाइट कर देंगे। तो पहले हम टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस सेफ्टी वाल्व को अच्छे से टाइट कर लिया है। अब ये मोटर में हमारा अच्छे से इस तरह से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसको अभी ठोक देंगे बिल्कुल टाइट हो जाएगा ये। और इसके ऊपर जो है फेविक्विक दो बूंद गिरा देंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स चारों तरफ से इसमें फेविक्विक डाल देना है स्टन ग्लू मतलब। उसके बाद जो है ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और ये वाला ढक्कन इसको फ्रेंड्स आपको एकदम लास्ट में चिपकाना है क्योंकि इसको पहले से लगा देंगे तो बहुत दिक्कत होगी इसको लगाने में। तो इसको सबसे लास्ट में हम लगाएंगे। अब फ्रेंड्स पहले हम इसको चिपका लेते हैं क्योंकि हमारा सेफ्टी वाल्व टाइट हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस इसको इस तरह से चिपकाने के बाद इस मोटर में फिक्स कर देंगे। तो पहले इसको चिपका लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से चिपका लिया है। और इस मोटर में एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो हम ये 12 वोल्ट का एडाप्टर से सप्लाई दे रहे हैं। अब हम इसमें आगे का काम करते हैं। फ्रेंड्स इसको मतलब बैठा के हम इसमें कटिंग का निशान लगा लेते हैं। अभी चिपकाना नहीं है अभी सिर्फ बैठा रहे हैं इस तरह से। इसमें हमको इस ब्लेड के सामने सामने कटिंग करनी है जहाँ जहाँ ये चारों ब्लेड दिख रहे हैं इसके सामने हम कट करेंगे थोड़ा। तो हम इसका निशान लगा लेते हैं पहले। फ्रेंड्स हमने चारों पर निशान लगा लिए हैं देखिए ब्लेड के सामने सामने इसी तरह से हमको निशान लगाना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स आपको कटिंग कैसे करना है हम अभी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमको इस वाले में कटिंग करनी है पूरे निशान में कहीं नहीं करनी है जहाँ पे हमने ये मार्क किया है इसमें हमको कट करना है ये चकोर सा। तो हम पहले इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स इसको कट करने के लिए हम इस सोल्डिंग आयरन में आगे ब्लेड लगा लिए हैं। ये जो कटर का ब्लेड आता है उसका ब्लेड लगा लिए हैं। अब इसको आसानी से इसमें कट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसमें कटिंग कर ली है। तो इसको कट करने में काफ़ी समय लग गया हमको। अभी हम इसको थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसमें कटिंग अच्छे से कर ली है फिनिशिंग भी दे दी है। अब हम इसको जो है इसमें चिपका देंगे। अब तो फ्रेंड्स ये हमारा लगभग बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसमें करेंगे थोड़ा पेंट जैसे कि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। और लाइक शेयर फ्रेंड जरूर करें जैसे कि हमें भी थोड़ा पता चले कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है। तो हम इसमें पहले पेंट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने उसको पेंट करके सूखने के लिए रख दिया है। तब तक हम इसका स्टैंड बना लेते हैं क्योंकि हम हाथ से तो लेके चलाएंगे नहीं। तो इस तरह का हम एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे और इसमें इस तरह से हम इसको फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से घिस लिया है। अब हम इसमें इस तरह से देखिए तिरछा लगा देंगे। तो पहले हम इसको चिपका लेते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स हम इसको भी चिपका लेंगे। फ्रेंड्स हमारा ये अच्छे से चिपक गया है। अब हम इसमें जो है सायरन को अंदर की ओर बस इस तरह से फिट कर देंगे ये इसमें फिक्स हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स हमारा स्टैंड बन के कम्प्लीट है। अब हम इसमें भी थोड़ा पेंट कर लेते हैं जैसे कि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो हम पहले इसमें पेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पेंट भी सूख गया है। अब हम आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको रेड कलर का पेंट किया है और अंदर की ओर क्रोम कलर किया है, जैसे कि थोड़ा ये सिल्वर में दिखे। और फ्रेंड्स, हमने रेड कलर का इसको इसलिए किया है कि क्योंकि सायरन जो है रेड कलर का ही होता है, तो उसी तरह हमने इसको पेंट किया है। और स्टैंड को हमने ब्लैक कलर का पेंट कर लिया है। अब हम इसको जो है बस इस तरह से इसमें फिट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है फ्रेंड्स। आप लोग को ये कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो अब हम जल्दी से इसको जो है कनेक्शन करते हैं, फिर हम आपको चेक करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। अब हम इसको जो है इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसका आवाज सुना होगा कितनी तेज आवाज करता है। फ्रेंड्स, बहुत तेज आवाज कर रहा है। तो हमारा ये सायरन बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। इसकी आवाज़ बहुत ही तेज है, हमने जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा तेज आवाज़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सायरन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।